हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो मैंने कई सारे पॉइंट नोट किए हैं और बताया है कि कैसे जो है आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट है, एक मिड रेंज स्मार्टफोन या फिर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन। मिड रेंज की जो क्राइटेरिया है वो मैंने सेट की है, ऑलमोस्ट 20,000 के अंदर में आ जाता है मिड रेंज, और साथ ही जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो 40,000, 30,000, 35,000, 80,000, 50,000 इतने रेंज तक का फ्लैगशिप स्मार्टफोन आता है। 1-1 लाख, 1.25 लाख तक का फ्लैगशिप स्मार्टफोन आता है। और बहुत सारे लोग होते हैं बिना नॉलेज के जो है पैसे खर्च कर देते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, बहुत से पैसे आपके बच सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अगर तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। तो मैंने जो दो कैटेगरी सेट की है, एक मिड रेंज फ़ोन और एक फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन। मिड रेंज जो मैं बात करूंगा, कोई मैं 5,000, 10,000 के फ़ोन की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं 20,000 तक के फ़ोन की बात करूंगा। और साथ ही जो फ्लैगशिप वाला फ़ोन है जो कि आता है 40,000, 50,000, 60,000 तक का, उसकी मैं बात करूंगा। और यार फ्लैगशिप, जब मिड रेंज की बात करते हैं, मिड रेंज मतलब ऑलमोस्ट हमें इस समय जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, 700 सीरीज के हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं और प्राइसिंग ऑलमोस्ट 20,000 में हमें ये सब कुछ अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और वही अगर फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बात किया जाए तो उसमें हमें, जब फ्लैगशिप की बात किया जाता है तो हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपको 800 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, 855, 855+, 865 इस समय लेटेस्ट चल रहा है, तो वैसे फ्लैगशिप प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। और इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको फ्लैगशिप लेवल की ही मिलती है, सब कुछ हाई एंड होता है। तो आपको क्या वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं परचेस करना चाहिए। 80% लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं परचेस करना चाहिए, क्योंकि जितना भी बेसिक नीड्स होता है नॉर्मल डेली यूज लाइफ में, आप सब कुछ इस मिड रेंज फोन में कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो 20% टाइम में हाँ, क्योंकि बहुत से एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत से अदर वर्क्स भी है जो कि फ्लैगशिप लेवल ही जो है कंट्रोल कर पाता है, उसको उतना पावर चाहिए, तो वो 20% केसेस हैं जिसमें आप परचेस कर सकते हैं फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन। तो जब आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हो तब आप कुछ ना कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये आप जो है एक्स्ट्रा पे करते हो इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए, उससे भी ज़्यादा पे करते हो, लेकिन मिनिमम जो कॉस्ट है 15 से 20,000 आप एक्स्ट्रा पे करते हो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन लेने के लिए। तो क्या जो फ्लैगशिप लेवल की चीज़ें हैं क्या आपके लिए एकदम ज़रूरी हैं? यह एकदम मस्ट है, लेना ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले का क्राइटेरिया सेट करता हूँ। तो डिस्प्ले अगर हम देखें, दोनों ही मिड रेंज और फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन में, दोनों में हमें एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की मैं बात करूं मिड रेंज फोन की, ऑलमोस्ट 88% से लेकर ऑलमोस्ट 91% तक हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है। और वही अगर फ्लैगशिप में देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट 92 से लेकर 94% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, विच डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कोई इतना भी छोटा नहीं है या बहुत ज्यादा मोटे बेजल्स हमें नहीं देखने को मिल जाते कि हम जो है इसको ले ही नहीं सकते हैं, नॉट दैट मच डिफरेंस। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डजंट मैटर, जितना बड़ा डिफरेंस नहीं बनाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हमें देखने को मिल जाता है, जो इस समय ट्रेंडिंग बहुत चला हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग चाहिए रहता है, वो हमें मिड रेंज में भी देखने को मिल जाता है, फ्लैगशिप लेवल वाले फोन में भी देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो इस समय इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल गया कि भैया ग्लास ये बैक में भी, तो यार मिड रेंज वाले फोन में भी हमें बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है। यहां तक कि हमें 10-11 हज़ार वाले फोन में भी, हमें एक मिड रेंज फोन जो होता है 10-11 हज़ार वाला, उसमें भी हमें बैक में ग्लास देखने को मिलता है, वो भी कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5। तो यार मिड रेंज फोन में वो भी हमें देखने को मिलता है, हमें बैक ग्लास हमें फ्लैगशिप लेवल वाले फोन में भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो ऑलमोस्ट जो है हमें दोनों ही फोन में देखने को मिल जा रहा है। तो डिस्प्ले को लेके अगर हम बात करें कि बहुत लोग कहते हैं 2K 4K स्क्रीन चाहिए हमको, तो यार वो चीज़ जो है सिर्फ फ्लैगशिप लेवल वाले फोन में ही पॉसिबल है, मिड रेंज में हमें 2K 4K देखने को नहीं मिलता। FHD+ स्क्रीन हमें देखने को मिल जाएगी जो कि एकदम ओके है, और कोई एक सेंस नहीं बनता है कि एक फोन में हमें 2K 4K स्क्रीन चाहिए। FHD+ स्क्रीन जो है परफेक्ट रहता है और बहुत ही मज़ेदार चलता है। और अगर डिस्प्ले में एक हमें अगर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, FHD+ डिस्प्ले दिया गया है और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले इज बेस्ट अगर मिड रेंज में वो पॉसिबल है। और जी हाँ, मिड रेंज में हमें ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो अगर डिस्प्ले को लेके अगर आप जो है बहुत ही रक्कस क्रिएट करते हैं कि जो है नहीं
वो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कमाल का, एकदम एलेक्स लेवल का होता है, बट यार जितना आपको नीड है वो सब कुछ पॉसिबल है एक मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में। 20,000 के अंदर सब कुछ मिल जाता है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है एक मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस क्या है, अब नॉर्मली जो है हमें जो मिड रेंज फोन में प्रोसेसर देखने को मिल जाता है क्वालकॉम का, जो कि 700 सीरीज हमें देखने को मिल जाता है, फ्लैगशिप लेवल में हमें 800 सीरीज देखने को मिल जाता है। बट यही अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो जी हाँ, पहले डिफरेंस था बहुत ज्यादा। पहले 600 सीरीज था तो उसके बाद 800 सीरीज था, बट आज के टाइम में बिल्कुल भी बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं रह गया है। हमें 700 सीरीज देखने को मिल जाता है मिड रेंज फोन में, और 800 सीरीज देखने को मिल जाता है फ्लैगशिप वाले फोन में। और यार जो इस समय प्रोसेसर चल रहा है मिड रेंज वाले फोन में, 730G, 720G बेस्ट प्रोसेसर है एक मिड रेंज फोन के लेवल के हिसाब से, बहुत ही कमाल का फोन है। और 95% टाइम जो है यार सबसे बेस्ट है परफॉर्मेंस को लेकर, चाहे फिर वो आप गेमिंग को ले लें या फिर आप वीडियो एडिटिंग को ले लें। नॉर्मल सी एडिटिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि मतलब बहुत ही ज्यादा हाई एंड की एडिटिंग के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल सी एडिटिंग के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग ले ले सकते हैं आप, गेमिंग्स के लिए पबजी वगैरह के लिए ले सकते हैं। इस समय जो ट्रेंडिंग गेम है पबजी, जो सबसे ज्यादा हाई एंड सेटिंग्स चाहता है, हाई एंड रेजोल्यूशन चाहिए रहता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी आप बिल्कुल ही माइंड में लेकर चल सकते हैं। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है 730G प्रोसेसर, बहुत ही कमाल का है प्रोसेसर। मिड रेंज में सब कुछ पॉसिबल है, गेमिंग को भी लेकर भी पॉसिबल हो जाता है, और वीडियो एडिटिंग आप नॉर्मली बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, नेट सर्फिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, बहुत ही कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो है बहुत ही ज्यादा हाई एंड जो है गेम खेलते हो बहुत ही हाई ज्यादा सेटिंग्स पे, या फिर कह लें बहुत ही ज्यादा हाई एंड एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो, तो जी हाँ मैं यही कहूंगा कि आप फ्लैगशिप लेवल वाला फोन लेना, मिड रेंज में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आधा काम होगा आधा खत्म हो जाएगा। तो जी हाँ, अगर आप उतने हाई एंड परफॉर्मर हो, हाई एंड सेटिंग्स चाहिए रहता है, तो जी हाँ आप फिर जा सकते हो फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन के लिए, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है एक फ्लैगशिप वाला वो ये सब चीज़ के लिए बेस्ट होता है। वीडियो हाई एंड वीडियो एडिटिंग की मैं बात करूँ, अगर आप नॉर्मल एडिटिंग करते हो वो पॉसिबल है मिड रेंज में, बट हाई एंड एडिटिंग के लिए आपको फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता 80% लोगों को या 85% 90% लोगों को हाई एंड सेटिंग करना होता है, या फिर हाई एंड गेमिंग करना होता है, या हाई एंड वीडियो एडिटिंग करना होता है, मुझे नहीं लगता 90% लोगों को करना होता है। तो यार मिड रेंज फोन ले लो 20,000 के अंदर, बेस्ट रहेगा और आप भी हैप्पी रहोगे। अभी हमारा डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अब मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको बहुत से लोग नज़रअंदाज कर भी देते हैं और ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या दिया है, क्योंकि नॉर्मली हमें मिड रेंज में भी लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 जो चल रहा है, फ्लैगशिप में भी हमें एंड्रॉयड 10 ही देखने को मिलता है। तो बात क्या होती है, मेन डिफरेंस क्या होता है, जी हाँ डिफरेंस बिल्कुल होता है। क्यों होता है, अब आप ले लो वन प्लस वाले फोन्स ले लो या आईफोन्स ले लो, इसमें बिल्कुल ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बहुत ही कमाल का, ना इसमें कोई ब्लूटर्स होते हैं ना कोई एड्स आते हैं, तो यार ये सब फोन्स में ये सब एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फ्लैगशिप लेवल वाले फोन में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो चीज़ मैं मिड रेंज के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे ब्लूटर्स एड्स वगैरह हमें बहुत देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर शॉमी वगैरह के फ़ोन में, और ये इसी कारण से सस्ते होते हैं, क्योंकि ये लोग एड्स से भी पैसे कमाते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं वो एड्स लगाते हैं जानबूझ करके और उसी एड्स के वो पैसे कमाते हैं, तो इसी वजह से जो है ये मिड रेंज वाले फ़ोन सस्ते हो जाते हैं। और यही चीज़ अगर मैं फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन की बात करूँ तो उसमें से इन लोग को हटाना पड़ता है, और उसी वजह से ये फ़ोन महंगे हो जाते हैं, क्योंकि एड्स वो लोग नहीं डाल पाते, क्योंकि बिल्कुल क्लटर फ्री एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही कमाल का स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, तो वो एड से पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो इसीलिए जो है इस फ़ोन जो है थोड़ा सा फ्लैगशिप रेंज में चला जाता है। सारे तो स्पेसिफिकेशन देख लिए, बट अब जो है मेन टॉपिक वो है कैमरा। जब भी कोई फ़ोन परचेस करने जाता है सबसे पहले, अगर मैं खुद अगर परचेस करने जाता हूँ सबसे पहले प्रोसेसर देखता हूँ, स्पेसिफिकेशन द नेक्स्ट टॉपिक होता है बाद वाला, लेकिन प्रोसेसर सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है कैमरा, तो दोनों चीज़ पॉइंट में रहता है। बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर क्या होते हैं, प्रोसेसर वगैरह अगर उनको नॉलेज नहीं प्रोसेसर के बारे में, तो सबसे पहले जो होता है कैमरा, कैमरा भाई फ़ोटो खींच के देखे कैसा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार सबसे पहले जब तक प्रोसेसर नहीं दमदार होगा, कैमरा फोटो खींचने के लिए थोड़ी ना फ़ोन सिर्फ खरीदता है आदमी, चलाने के लिए खरीदता है, साल भर 6 महीना साल भर 2 साल चलाता है फ़ोन, तब तो जब तक प्रोसेसर बढ़िया नहीं होगा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं हो पाएगा। बट अब जब हम कैमरे की बात करते हैं,
नॉर्मल जो मिड रेंज के स्मार्टफोन होते हैं उसमें भी हमें 64 मेगापिक्सल तक के कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पिक्चर क्लिक कर देते हैं और बहुत ही अच्छी सेल्फी भी आ जाती है। बहुत से लोगों को सेल्फी का शौक होता है, सेल्फी भी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। 20,000 वाले फ़ोन के अंदर भी हमें अच्छे क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं कहूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा हाई एंड फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फोटो क्लिक करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है एक फोटोग्राफी टाइप से, या एक प्रोफेशनली आप कोई वर्क करना चाहते हैं फोटोग्राफी को लेकर, तो जी हाँ मैं कहूँगा आप फ्लैगशिप की तरफ जाइए। फ्लैगशिप का क्वालिटी एकदम अलग ही लेवल का होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर हैं, नॉर्मल फोटोज़ क्लिक करना है, नॉर्मल किसी पार्टीज़ में फ़ोटो क्लिक करना है, या कोई भी हो अगर नॉर्मल आप कंज्यूमर हैं आप नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो यार मिड रेंज का जो क्वालिटी होता है फ़ोन का बहुत ही कमाल का होता है। हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता या बेकार क्वालिटी का फ़ोन देखने को नहीं मिलता। मैं कोई 5,000-6,000 फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड करना उस चीज़ को। मैं कोई 6,000-7,000 वाले फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 20,000 तक के फ़ोन की। तो जो फ़ोन 15,000-20,000 के होते हैं उसकी क्वालिटी एकदम बहुत ही बेस्ट हमें देखने को मिल जाती है, बहुत ही कमाल की क्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, परफेक्ट है फ़ोन, मिड रेंज का बहुत ही कमाल की क्वालिटी की फ़ोटो क्लिक कर देता है। और यार कैमरे के सब कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा आ चुका है, अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, टेलीफोटो मिल जाता है, बूके इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो यार सब चीज़ तो पॉसिबल है, हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है यार, सारी क्वालिटी देखने को मिल जाती है और परफेक्ट शॉट हमें देखने को मिल जाता है मिड रेंज फ़ोन में। तो यार क्या फ़ायदा, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो फ्लैगशिप का कोई मतलब नहीं, पैसे बर्बाद मत करो, मिड रेंज द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का कैमरा चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हो फ्लैगशिप जा सकते हो, नॉर्मल यूज़र हो मिड रेंज बेस्ट रहेगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, जिसके लिए एकदम इस समय बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, चार्जर को लेकर। इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि यार फास्ट चार्जर, जितना जल्दी फास्ट चार्ज होता है, मतलब इतना होता है कि लगाओ और चार्ज हो जाए, ऐसे इतना तो फास्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी खोजते हैं कि कितना फास्ट चार्जर हमें देखने को मिल जाए। तो यार आजकल की मैं बात करूँ तो मिड रेंज वाले फ़ोन में भी हमें देखने को मिल जाता है 18 वॉट, 27 वॉट, 30 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है। 20,000 तक वाले फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, 30 वॉट तक का चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इनफ है यार मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से बहुत है। और वही अगर देखा जाए फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन की, तो उसमें हमें 40 वॉट, 50 वॉट, 65 वॉट तक का फास्ट चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। तो जहां अगर आपका मिड रेंज फ़ोन जो है घंटा सवा घंटे में चार्ज होगा, फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन जो है 40 मिनट 50 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है। जी हाँ, ये राइट बात है, क्योंकि फास्ट चार्जर दिया रहता है और इसमें जो है 30 वॉट तक का। बट यार एक नॉर्मल यूज़र की तरफ अगर देखो तो घंटा सवा घंटे में अगर आपका फ़ोन चार्ज हो जा रहा है, क्या कमी है। आप सुबह उठो, फ्रेश होते हो, रेडी होते हो, उतना देर फ़ोन लगाओ, चार्ज हो जाएगा। और अगर बैटरी के एमएएच की मैं बात करूँ, पावर की, तो नॉर्मली हमें मिड रेंज वाले फ़ोन में भी हमें 4,000, 4,500, 5,000 तक एमएएच बैटरी हमें देखने को मिल जाती है। और वही अगर फ्लैगशिप की बात किया जाए तो उसमें हमें 4,000 से लेकर 5,000-5,500 तक की बैटरी हमें देखने को मिल जाती। तो बैटरी एमएएच पावर तो ठीक है, बट ये है पावर चार्जिंग जो होता है वो बढ़ जाता है फ्लैगशिप वाले फ़ोन में। बट यार अगर घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटे के अंदर आपका अगर फ़ोन चार्ज हो जा रहा है, मिड रेंज वाला फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यार फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन और एक पर्टिकुलरली एक चार्ज करने के लिए आप 15,000-20,000 रुपये देना, मुझे नहीं लगता कोई एक सेंस वाली बात होगी कि एक फास्ट चार्जर के लिए मैं जो है 15,000-20,000 रुपये एक स्टैंडर्ड फ़ोन दे दूँ, या एक चार्जर की वजह से एक मैं एक फ्लैगशिप वाला फ़ोन लूँ 20,000 एक्स्ट्रा देकर, तो यार कोई सेंस की बात नहीं होती। 30 वॉट का चार्जर बेस्ट है, बहुत ही कमाल का, 27 वॉट, 30 वॉट, 18 वॉट तक का चार्जर में देखने को मिल जाता है एक मिड रेंज वाले फ़ोन में। अब जो मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, यही एक स्पेसिफिकेशन है कि मैं जितनी स्पेसिफिकेशन बताया हूँ उसको कोई भी नहीं देखता है, सिर्फ इसी स्पेसिफिकेशन को देखता है, और इसी कैटेगरी में जो है फ्लैगशिप लेवल सबसे आगे जाता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है वो है ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू होती है। अब जो लोग वन प्लस का फ़ोन लेके चलते हैं, भाई मैं नोट का है, सैमसंग का है, नोट 10, सैमसंग का S20 अल्ट्रा, आईफोन है, आईफोन 11 प्रो मैक्स है, तो यार जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, कि मैं एप्पल का फ़ोन लिया हूँ, सैमसंग का फ़ोन है, वन प्लस का फ़ोन है, तो यार बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसी ब्रांड वैल्यू के लिए पैसा देते हैं दिखाने के लिए। और बहुत से लोग, बता दूँ मैं रियलिटी में बता दूँ, मतलब अगर 10% लोग जो है अगर फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन ले रहे हैं
पैसे दे रहे हैं ब्रांड के लिए, तो उसमें से 5% जो लोग होते हैं वो दिखावे के लिए लेते हैं कि यार मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, यार मेरे पास सैमसंग का है अल्ट्रा फ़ोन है, या मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है, तो सिर्फ वो दिखावे के लिए लेते हैं। बट जेन्युइन है, सबकी इच्छा है, सबका शौक है क्या है क्या कैसे है। तो यार ये बहुत से लोग हैं कि जो है ब्रांड वैल्यू के लिए पैसा देते हैं, ब्रांड के लिए पैसा देते हैं, फिर ना तो वो स्पेसिफिकेशन देखते हैं। अब आप जेन्युइन सी बात ले लो, अगर आप कोई आईफोन लेने जाता है, भाई आईफोन आया है, साल में एक बार लॉन्च होता है, आईफोन आया है, स्टोरेज कितना चाहिए भैया, ये चाहिए, कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि पूछेगा भैया प्रोसेसर कैसा है, इसको कंपेयर करो तो भाई पिछले वाले से। ऐसा कभी भी आप नहीं देखोगे कि एप्पल का फ़ोन परचेस करने के लिए कोई ये कहता है कि भैया प्रोसेसर कैसा है, कभी नहीं पूछेगा। बस यही देखता है प्राइस कितना है और कौन सा स्टोरेज चाहिए, बस इतना ही देखता है और फोन खरीद के ले आता है। तो यार ये होती है ब्रांड वैल्यू, जो बिना स्पेसिफिकेशन के कोई लेता है, बस एक ब्रांड के लिए एक मतलब रहता है कि हाँ मैंने सैमसंग का S20 अल्ट्रा लिया या आईफोन का 11 लिया है। और अगर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांड वैल्यू है, तो यार बाकी के स्पेसिफिकेशन आपके लिए होते ही नहीं है, ना तो कैमरा, ना परफॉर्मेंस, ना बैटरी, ना कुछ, ना पावर कितना लग रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है एक ब्रांड वैल्यू होती है। मैं नॉर्मली एग्जांपल ले लेता हूँ आईफोन का, बाकी स्मार्टफोन तो अच्छे चार्जर भी दे देते हैं बॉक्स के अंदर, बट आईफोन की मैं बात करूँ तो आईफोन XR तक जो है कंपनी ने सिर्फ 1 एम्पियर का चार्जर दिया था। आप सोच सकते हो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर देती थी, मतलब फोन सपोर्ट करता था फास्ट चार्जर, बट बॉक्स के अंदर सिर्फ एक सादा सा 1 एम्पियर का चार्जर होता है, जो कि मिड रेंज के 10,000 फोन के अंदर भी नहीं होता है, उससे ज्यादा पावर का ही चार्जर हमें मिड रेंज के 10,000 वाले फोन में होता है, जो चार्जर हमें जो है देखने को मिलता था इधर 80,000 1-1 लाख वाले फोन में। तो यार ये होती है ब्रांड वैल्यू ब्रांड के लिए जब आप पैसे देते हैं। तो यार जब ब्रांड के लिए आपको पैसे देने हैं, तो आपके लिए ना स्पेसिफिकेशन होता है, ना कैमरा होता है, ना बैटरी होती है, ना पावर होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ब्रांड का वैल्यू होता है और हाँ जी बस गए फोन और खरीद लेना है। बट एक जगह जो है एक चीज मैं पॉइंट आपको कहना चाहूंगा, जो एक फ्लैगशिप लेवल वाला फोन है ना, अगर आप उसको 4 महीना 5 महीना 6 महीने यूज कर लेते हो, अगर वो आपका 50,000 वाला फोन है, तो नॉर्मली जो है अगर आप उसको सेकेंड हैंड बेचना चाहोगे ना, तो उसका नॉर्मली अगर 50,000 का फोन है 25,000 से बेसिक कोई भी नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है दाम। और नॉर्मली यहाँ पे नहीं बल्कि ऑनलाइन भी इसका प्राइस गिर जाता है, आईफोन वगैरह के प्राइस नहीं गिरते, बहुत ही कम गिरते हैं, बट नॉर्मली फ़ोन का सैमसंग के नोट में भी ऐसा देखा गया है, नोट सीरीज में भी बहुत ही अच्छे से रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, 6 महीने के अंदर ही अंदर जो है बहुत ज़्यादा रेट कट हो जाता है। तो एट लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रांड वैल्यू होती है उसके आगे कुछ भी नहीं होता। अगर आपका प्रेफरेंस ब्रांड वैल्यू है, आप बिल्कुल ही बिंदास जा सकते हो, या फिर हाई एंड वीडियो एडिटिंग आप करते हो, या फिर हाई एंड जो है आपको जो है फोटोग्राफी वगैरह करना रहता है, तो भी आप जो है फ्लैगशिप के लिए जा सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल सा काम करते हो, नॉर्मल सा डेली फोटोग्राफी मतलब नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करना, पार्टी वगैरह में थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लेना, नॉर्मल सा यूसेज है आपका, तो यार बेमतलब का फ्लैगशिप के लिए पैसा वेस्ट मत करो, आप मिड रेंज फ़ोन के लिए जा सकते हो, बेस्ट रहता है, कमाल का फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ मेरे ओपिनियन जो मैं सोच रहा था कि यार क्या करने जो है मिड रेंज फ़ोन नहीं लेते हैं लोग, फ्लैगशिप लेते हैं, तो जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी आपका ओपिनियन है, क्या आपके थॉट्स हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे आपने तो चैनल को आप यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोल्ड कलर का आइकन आ रहा होगा, और साथ ही इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली सबको जो है फ़ोन की ज़रूरत होती है। और यार क्या फ़ायदा अगर किसी के पास जो है कम पैसे हैं, या फिर जो है वो मिड रेंज से काम चला सकता है, तो क्या फ़ायदा जो है फालतू का फ्लैगशिप फ़ोन लेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल के बेल आइकन को जोर से प्रेस करके रखिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।